खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा के बीच टेंशन हो गई है। जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार पर लगा दिया। 2 हफ्ते पहले ही जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे। उनका आना हुआ था G20 समिट के चलते। अब G20 से जुड़ी एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो काफ़ी चौंकाने वाली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक G20 समिट में आए राष्ट्राध्यक्षों को ठहरने के लिए भारत सरकार ने 5-स्टार होटल में स्पेशल सूट्स यानी कि उन स्पेशल कमरों की व्यवस्था की थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने स्पेशल सूट में रुकने से मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आए ट्रूडो 5 दिन तक 5-स्टार होटल के साधारण कमरे में रुके। G20 समिट में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली टीम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सेंट्रल दिल्ली के ललित होटल में जस्टिन ट्रूडो को ठहरना था। वहां पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की मोटी परत के साथ बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया गया था। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे स्नाइपर की गोलियां भी भेद नहीं सकती थी। सुरक्षा से जुड़े कई और भी अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए थे। कुल मिलाकर जस्टिन ट्रूडो की सुरक्षा फुल प्रूफ थी। सूत्रों के मुताबिक बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी कनाडा के अधिकारियों ने स्पेशल सूट में अपने पीएम को ठहराने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने उसी होटल के एक सामान्य कमरे का चयन किया। बताया जा रहा है कि कनाडा के अधिकारियों के इस फैसले से भारतीय सुरक्षा अधिकारी सन्न रह गए। अगले कुछ घंटों तक भारत और कनाडा के अधिकारियों के बीच इस मसले पर काफी देर तक बातचीत होती रही। भारतीय अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि जस्टिन ट्रूडो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि कनाडाई पक्ष के न मानने के बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा और फिर ट्रूडो को एक सामान्य कमरे में ही ठहराया गया। बता रहे हैं जो सूत्र हैं उनका कहना है कि भारतीय पक्ष को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऐसे मामलों में अंतिम फैसला बाहर से आए मेहमान और उनके दूतावास को ही लेना होता है। वैसे भारत कनाडा विवाद में ताजा अपडेट यह है कि भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा इशू करने पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि कनाडा में जो भारत का हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट है उन्हें सुरक्षा की चिंता है। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, इससे उनका सामान्य कामकाज प्रभावित हो रहा है, इसलिए हाई कमीशन और कॉन्सुलेट वीजा अस्थायी तौर पर वीजा एप्लीकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। बागची ने आगे कहा कि यदि आप प्रतिष्ठित मुद्दों और प्रतिष्ठा में क्षति के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर कोई देश है जिसे इस पर ध्यान देने की जरूरत है तो वो कनाडा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कनाडा की आतंकवादियों और चरमपंथियों के लिए और संगठित अपराध के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ी है, उन्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बागची ने यह भी बताया कि कनाडाई अधिकारियों को हमारे डिप्लोमैट्स को जो धमकी देने वाले पोस्टर मिल रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अब इस मामले पर दी ललन टॉप की नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी अभय ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप दी ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।